तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि utisource.net एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सप्लायर वेबसाइट है, जहाँ पर आप हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पा सकते हैं, जैसे कि आईसी, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, मॉड्यूल, सेंसर। और इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले लगभग सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा पीसीबी, पीसीबी हमने आयरन से प्रेस करके बनाया है। पीसीबी कैसे बनाते हो आप हमारे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और अभी हम इसमें कंपोनेंट्स माउंटिंग करेंगे। तो सिंगल साइडेड पीसीबी में पहले एक पीस जम्पर, अभी दो पीस रेजिस्टेंस है 1K क्वार्टर वाट में। यहाँ पर जितने भी सारे रेजिस्टेंस है सारे क्वार्टर वाट में है। दो पीस रेजिस्टेंस है 10K, दो पीस रेजिस्टेंस है 100K, एक पीस रेजिस्टेंस है 680 ओम, चार पीस डायोड है 1N4007, एक पीस आईसी बेस है 8 पिन का, चार पीस कैपेसिटर है 100 NF यानी 104 PF, एक पीस रेगुलेटर आईसी है 7815 जो कि प्लस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। यहाँ पर आप 7812 भी लगा सकते हैं। और एक पीस रेगुलेटर आईसी है 7915 जो कि माइनस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। एक पीस एलईडी है 3 mm का, दो पीस कैपेसिटर है हाजिर है 25 वोल्ट में, एक पीस ड्यूल गैंग पोटेंशियोमीटर है 47K का। आप चाहते हैं यहाँ पर 22K का पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने इस बोर्ड में इनपुट और आउटपुट में सारे वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर इस बोर्ड में हम 4580 आईसी यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर नीचे दी हुई लिस्ट में से कोई सा भी ओपन आईसी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लास्टिक केस जिसके अंदर हमने सारे आउटपुट के कनेक्शन करके रखे, जैसे एक आरसी सॉकेट लगा है, दो माइक सॉकेट लगा दिया है, और यहाँ पर हमने एक SPDT स्विच लगाया और एक DPDT स्विच भी लगा दिया है। और यहाँ पर जो बोर्ड में LED था उसको हमने इस केस के सामने लगा दिया है। और बोर्ड की वायर को अभी हम इस LED से कनेक्ट कर देंगे। इस बोर्ड की इनपुट और आउटपुट में हमने कोई भी ग्राउंड वाला वायर कनेक्ट नहीं किया है। और अभी हम DPDT स्विच में वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस बोर्ड के आउटपुट वाले वायर को DPDT के नीचे वाले दो पोल में कनेक्ट कर देना है, यानी ओनली ऑडियो लेफ्ट और ऑडियो राइट वाले वायर को। और यहाँ पर हम माइक सॉकेट से आउटपुट निकाल लेंगे। तो माइक सॉकेट का जो ग्राउंड वाला वायर रहेगा उसको हमें इस बोर्ड की ग्राउंड से डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। अभी जहाँ से आउटपुट निकलेगा उन वायर को, यानी माइक सॉकेट के लेफ्ट और राइट वाले वायर को DPDT के बीच वाले दो पोल में कनेक्ट कर देना है। अभी हमने RCA सॉकेट के ग्राउंड को माइक सॉकेट के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। और माइक सॉकेट का ग्राउंड हमारा बोर्ड से कनेक्ट हो चुका है। और अभी हम इनपुट के लेफ्ट और राइट वाले वायर को DPDT के एकदम ऊपर वाले दो पोल में कनेक्ट कर देंगे।
तो अभी इस बोर्ड की इनपुट में लेफ्ट और राइट वाला वायर को डीपीडीटी के ऊपर वाले पोल में यानी आरसीएस सॉकेट के लेफ्ट और राइट वाले वायर को हमने जहाँ पर कनेक्ट कर दिया था वहाँ पर ही कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम 12.12750 मिली एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, पर उससे पहले हम यहाँ पर लीड को लगा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मेन लीड के वायर को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेन लीड की एक वायर एसपीडीटी स्विच के थ्रू कट होकर फिर ट्रांसफार्मर में लगेगा। तो अभी हमने इस ट्रांसफार्मर को इसके अंदर स्क्रू और नट की सहायता से अच्छे से लगा दिया है और अभी हम इस बोर्ड की पावर वाले वायर को इस ट्रांसफार्मर के 12.012 में कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे जो प्री एम्पलीफायर बूस्टर है हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम बेल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भाई चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।